चैनल फैशन एंड ब्यूटी पे। तो गाइस आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ नाइका गो फॉर ग्लो इंस्टा फेस मास्क, सॉरी इंस्टा ग्लो फेस मास्क, और ये मेड इन कोरिया है। गाइस जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ 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 बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और आप लोग जो भी कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, मेरा पूरा दिन बन जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आप लोगों का लाइक देखते हैं, मतलब देखने के बाद मैं अपनी मम्मी को जाके दिखाती हूँ, देखिए मुझे इस वीडियो में कमेंट मिला है, तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और भी वीडियोस बनाने के लिए उत्साह मिलती है। तो गाइस प्लीज़ आप लोग कमेंट और लाइक कर दीजिएगा। कुछ अच्छा लगा तो अभी बताइए, कुछ बुरा लगा तो मैं आगे से बेहतर बनाऊँगी। और अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कीजिए मेरे वीडियोस। और गाइस अभी मैं शुरू करती हूँ अपना रिव्यू। गाइस मैं जो भी प्रोडक्ट का रिव्यू करती हूँ वो अपने पैसे से खुद परचेस करती हूँ, कोई भी वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं रहता। पहले मैं इसको यूज़ करती हूँ, फिर यूज़ करने के बाद उसका जो एक्सपीरियंस रहता है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए, ये है नाइका गो फॉर ग्लो इंस्टा ग्लो फेस मास्क, ये पील ऑफ मास्क है, और ये देखिए मेड इन कोरिया। गाइस इसके पैकेजिंग के बारे में बात कर ले तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ये देखिए बहुत ज़्यादा सुंदर और क्यूट है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पिंक कलर का है और ये देखिए ग्लो भी कर रहा है, बहुत अच्छा लगता है ये देखिए। और इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, 799, मतलब 800 लगभग, 800 ही, सॉरी लगभग बोल रही हूँ, 800 ही बहुत ज़्यादा मतलब हो रहा है। तो मैंने मुझे लगा कि एक बार यूज़ करके देख लेती हूँ, कोई भी पार्टी या फिर फंक्शन में जाते हैं तो हमको लगता है, मतलब हम लोग सभी चाहते हैं फेस पे एक अच्छा सा ग्लो आ जाए मेकअप करने के बाद अच्छा लगे। तो मुझे लगा इसमें यूज़ करने के बाद कोई अच्छा सा ग्लो मिलेगा फेस में। और बहुत सारा मैंने मार्क, मतलब पील ऑफ मार्क्स देखा है मैंने, वो मतलब लगा मुझे पेनफुल रहेगा या फिर उसको खींचने के टाइम मुझे मतलब ऐसा एक डर लगा रहता है कि कहीं मेरी चमड़ी भी ना उधड़ के आ जाए, तो थोड़ा बहुत डर मतलब लगा रहता है। और इसका प्राइस देखिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसमें क्या क्या है। एक सेकेंड, पता नहीं कैमरे में अच्छे से दिख रहा होगा नहीं, फिर भी मैं दिखाती हूँ। ये देखिए पैराबिन फ्री है, और ये क्रुएल्टी फ्री है, और ये SLS फ्री है गाइस, इसलिए मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा तो मैंने इसको ले लिया। मैंने इसको नाइका से परचेस किया है। अभी मैं इसको खोलती हूँ। ये देखिए ये अंदर में ऐसा रहता है, इसके साथ एक सिलिकॉन एप्लीकेटर रहता है, ये देखिए छोटू सा, और यहाँ पे नाइका लिखा रहता है, ये देखिए। यहाँ पे इसका प्राइस मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे जो जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी मेंशन किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए। तो प्राइस के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं। अगर इसका मैं अभी यूज़ करके दिखाती हूँ, मैंने इसको पहले भी 2-3 बार यूज़ किया हुआ है, लेकिन अभी आप लोगों के सामने मैं इसको यूज़ करके दिखाऊंगी। और आप लोग अच्छा लगा तो आप लोग परचेस कर सकते हैं, ऑफ़र में परचेस कीजिएगा गाइस, मतलब कम प्राइस में शायद मिल सकती है। तो अभी हम इसको यूज़ करते हैं। ये देखिए क्यूट सा एप्लीकेटर है, ये सिलिकॉन एप्लीकेटर है, आप लोग हाथ से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये ऐसा पिंक कलर का, मैं हाथ में इसको यूज़ करके दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये यूज़ करने के बाद बहुत ठंडा सा मतलब लगता है, एक मतलब कूलिंग सेंसेशन देता है, ये देखिए बहुत ठंडक पहुँचाता है स्किन पे। ये देखिए मैं अभी इसको अप्लाई कर रही हूँ, इसको सूखने के लिए मतलब 20 मिनट या फिर ऐसा लग जाता है। अभी मैं इसको सूखने के बाद ही आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखिए क्यूट सा मतलब पिंक कलर का आता है ऐसे, आप लोग आई एरिया को छोड़ के कोई भी ऐसे भी मार्क्स आप लोग यूज़ कीजिएगा ना, तो मतलब आइस के मतलब आँखों के आसपास जो मतलब एरिया रहता है उसको छोड़ के, क्योंकि वो इलाका बहुत ज़्यादा मतलब सेंसिटिव रहता है, आई मतलब आँखों के आसपास जो मतलब रहता है स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है, तो उसको छोड़ के आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इसको हम सूखने के लिए 20 मिनट ऐसा
लग जाता है तो मैं उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी गाइस। सूख चुकी है देख सकते हैं, और मतलब ये लगाने के बाद बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, ऐसा लगता है कोई मतलब ऐसे पेपरमिंट ऐसा कुछ लगाया हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमको भी पार्टी या फिर कहीं पे जाने से पहले हम सभी को मतलब ग्लो ज़्यादा पसंद है, तो आप इसको एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। ये थोड़ा सूखने में थोड़ा सा टाइम लगाता है, लेकिन ये पेन मतलब एकदम से मतलब पेनलेस से लगा उठाने के टाइम ना एकदम मतलब दर्द नहीं लगता, आप लोग देख सकते हैं। वैसे एक बात एक और, स्लोली आप इसको हटाना मतलब हटाना है, और इसको ऊपर की तरफ हटाएं जहाँ आपके हेयर ग्रो होते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको रिमूव कर लीजिएगा। एक सेकेंड, मुझे लगा ये सूख चुका है लेकिन अभी तक तो पूरी तरह से शायद नहीं सूखा, मैंने तो बहुत ज़्यादा इसको रिमूव करते टाइम एकदम भी मतलब पेन नहीं लगता, एकदम पेनलेस है। आप लोग इसको एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। गाइस जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, और भी अच्छे अच्छे वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ 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 बेल आइकन को भी दबा दीजिए गाइस। और आप सभी की एक एक कमेंट एक एक मतलब बहुत ज़्यादा मेरा मुझे अच्छा लगता है, मेरा पूरा दिन बन जाता है। मैं मम्मी को भी जाके दिखाती हूँ आप लोगों के कमेंट, और जो भी मतलब वीडियोज़ के नीचे कमेंट रहता है सभी मम्मी को दिखाती हूँ और उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा। सॉरी ये जगह सूखा नहीं था तो मुझे लगा सूख गया होगा। हाथ में है इसलिए मैं ऐसे ऐसे करके इसको उठा रही हूँ, आप लोग फेस में ऐसा मत कीजिएगा। पूरी तरह से सूखने के बाद इसको उठाइएगा, चिंगम की तरह दिख लग रहा है लेकिन एकदम पेनलेस है, ऐसे लगाने के टाइम एकदम दर्द नहीं लगता। आप लोग ये मेरा हाथ देखिए, और ये देखिए ग्लो नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। तो आपको अच्छा लगा तो आप इसको परचेस कर सकते हैं गाइस, और कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा गाइस। ओके बाय।